Hey guys, what's up? It's me Jaya. Welcome and welcome back to my channel. So I'm starting a very very important and very helpful series from today. Actually kuch dino se mummy ki tabiyat theek nahi thi, so she was in ICU for 10 days. Medicines apni jagah par work kar rahi thi, lekin uske alawa hum log home remedies try kiye the jo ki mummy ki body pe magically work kiya hai. तो इस सीरीज़ में मैं वही सारी होम रेमेडीज़ एंड उनका डाइट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. हाई डोज मेडिसिन के कारण सबसे पहले उनकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहा था वो था उनका शुगर लेवल, और वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था. इतने सालों में कभी भी मम्मी को इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन उस टाइम ट्रीटमेंट के टाइम पर उन्हें दो दो इंसुलिन लग रहे थे. तो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में वही रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जो मम्मी मॉर्निंग में खाली पेट, मतलब सबसे पहले जब सोकर उठती थी तो जो ड्रिंक हम लोग उनको दे रहे थे वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ. और गाइस, उससे उनका शुगर लेवल इतना मेंटेन हो गया था, मतलब नियरली हाफ हो गया था विद इन 2 to 3 days. सो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ सबसे पहले एक बर्तन में हमें मेथी दाना भिगो कर रखना है. अगर आपके पास कॉपर का ग्लास है या कॉपर का कोई भी बर्तन है तो आप वो यूज़ करोगे, वो बेस्ट है. ओके, तो यहाँ मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ स्टील का एक बर्तन यूज़ कर रही हूँ. अदरवाइज़ जब मम्मी हॉस्पिटल में थी तब हम लोग कॉपर के ही ग्लास में मेथी दाना को भिगो कर और सुबह उनको पानी देकर आते थे. तो यहाँ मैंने 2 teaspoon मेथी दाना लिया है और ये पूरा बोल मैं भर कर रखूँगी क्योंकि सुबह होने तक ये पानी का लेवल कम हो जाएगा. तो ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा पानी का लेवल कम हो गया है. अब मैं ये पानी को कॉपर के ग्लास में डाल रही हूँ और यही पानी मैं मम्मी को अभी पिलाऊँगी. और गाइस, ये जो मेथी दाना बचा हुआ है इसे हमें फेंकना बिल्कुल भी नहीं है. ये भी आप बीच बीच में दे सकते हैं शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए, इवन उसका स्प्राउट भी बनाकर दे सकते हैं. तो ये थी पहली रेमेडी जो हम हॉस्पिटल में देते थे, लेकिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी मम्मी का शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा था. 500-550 ऐसे ही जा रहा था. देन हम लोगों ने उन्हें करेले का जूस देना स्टार्ट किया. और गाइस, करेले का जूस आपको डेली नहीं देना है, अदरवाइज सडनली शुगर डाउन हो जाता है. इसलिए ऑल्टरनेटिव डेज पे दीजिए, और पूरा ग्लास भरकर भी नहीं देना है. और अगर थोड़ा सा एक करेले का आप जूस निकाल रहे हो, जितना भी निकल रहा है उसमें आपको पानी डाइल्यूट करने के बाद ही देना है. तो इस तरह से मैं करेले का जूस बनाकर मम्मी को देती थी. और बस ये दो चीज़ें हम लोगों ने यूज़ किया है और मम्मी का लेवल शुगर लेवल 500 से सीधा 200 आ गया है. डॉक्टर्स ने अगेन मम्मी को कहा था इंसुलिन लगाने के लिए, बट हम लोगों ने उसके बाद इंसुलिन मम्मी को नहीं लगाया है. तो इस तरह से करेले के जूस में अगर आप चाहें तो इसमें सेंधा नमक या फिर काला नमक ऐड करके भी दे सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही रॉ करेले का जूस भी ले सकते हैं. और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है मम्मी की डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए.